मेरठ के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा 2 दिवसीय मेरठ के दौरे पर हैं। इसी बीच कानून का पालन करने वाले अधिवक्ताओं ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। शुक्रवार को भरी कचहरी में अधिवक्ता जगदीश पहुटी ने दूसरे अधिवक्ता हर्ष कुमार पर सीधे फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। गाजियाबाद के थाना निवाड़ी क्षेत्र में एक मर्सिडीज गाड़ी लूटने की बात बीती 23 अक्टूबर को रात को सामने आई थी, जहां वादी ने थाने में जाकर घटना की पूरी जानकारी दी। वहीं प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने तुरंत घटना को उच्च अधिकारियों को सूचना देकर खुद घटना के खुलासे में एसपी ग्रामीण ने थाना प्रभारी के साथ खुद भी मामले को देखा और पल पल की प्रगति रिपोर्ट दी। जब नतीजा सामने आया तो चौंकाने वाला था, लेकिन घटना का खुलासा महज 24 घंटे में करके पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। निवाड़ी थाने में एक सूचना दी गई थी कि मर्सिडीज गाड़ी लूट ली गई है, आप लोगों ने उसका खुलासा किया है, गाड़ी भी बरामद कर ली है, आरोपी भी, और खुद मालिक ने ही ये पूरे षड्यंत्र रचा था। कारण क्या था, किस वजह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, तब खुलासे में क्या हुआ सर? ये परसों रात को लगभग 11:30 बजे एक सूचना मिली पुलिस को कि गंग नहर के तुरंत बाद निवाड़ी थाना क्षेत्र में एक वाइट मर्सिडीज़ को पीछे से स्कॉर्पियो में कुछ लोगों ने ओवरटेक करके गन पॉइंट से लूट ली है मर्सिडीज़। तो ये सूचना हमको प्राप्त हुई थी पुलिस को, तो पुलिस ने कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज किया, और मुकदमा दर्ज करने के पश्चात विवेचना में इसका जो ड्राइवर है, ड्राइवर का मोबाइल की लोकेशन ली गई। लोकेशन के आधार पर जब उसका इंटरोगेशन किया गया तो उसने बताया कि मालिक ने उससे ये कहा था, जो मर्सिडीज़ का मालिक है उसने ये कहा था कि आप पुलिस को ये झूठी सूचना देना, ये कहना पुलिस को कि लूट हो गई है, गन पॉइंट पे छीन ली गई है, और ये पुलिस को बता देना। इसके बाद जब ये पूरी तरह के तह में हम लोग गए तो ये पता चला कि इंश्योरेंस का पूरा मामला था। ये मालिक इस गाड़ी को कटवाना चाहता था, उसने इसका नंबर भी चेंज किया, जो पुलिस को सूचना दी थी उसमें हरियाणा रजिस्ट्रेशन का नंबर था, और जो दिल्ली जो गाड़ी हमने बरामद की उसमें डीएल का, जिसने गाड़ी की नंबर प्लेट भी चेंज की थी, और इस गाड़ी को बिकवाना चाह रहा था, उससे उसको पैसा मिलता और इंश्योरेंस का पैसा भी लेना चाहता था। सर काफ़ी बुजुर्ग जो शख्स है ये बता रहे हैं कि 15 लाख का गाड़ी इन्होंने खरीदी थी, लगभग इतने का ही इंश्योरेंस था, इतना पैसा मिलता, और गाड़ी बेचने पर जो पैसा मिलता वो मिलता ही। इनकी बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफाइल रही है, ये एक रिलायंस की जो विमल पॉलिस्टर कंपनी थी उस कंपनी में मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं, बहुत ही सम्मानित पद से रिटायर हुए हैं। ऐसे जो साजिश थी वो भी बेहद शादी तरीके से रची गई, खाली जगह चुनी गई पुलिस को सूचना देने। हाँ, इन्होंने ये बताया कि दिल्ली दूसरी मस्जिद का इस्तेमाल भी हुआ सर, दिल्ली से ये देहरादून इन्होंने जाना बताया, तो दिल्ली से जहाँ भी इनको पहला निर्जन जगह मिली जहाँ पे कम लोग रहे, पुलिस प्रेजेंस थोड़ी कम रहे, ट्रैफिक भी कम रहे, वही पॉइंट इन्होंने चुना। गंग नहर के तुरंत बाद थोड़ा सा वैसा एरिया है जहाँ पे दुकानें भी कम है, जहाँ पे ट्रैफिक का आवागमन भी कम है, उन्होंने वही रास्ता चुना, उसी पर उन्होंने लूट दिखाई, झूठी लूट दिखाई। ठीक सर। भंडारा के तुमसर विधानसभा से वाघेमारी के साथ राष्ट्रवादी को टक्कर में अपक्ष वाघेमारी के 89,490 वोट, राष्ट्रवादी को 87,190 वोट। अपक्ष प्रत्याशी चरण वाघेमारी के मात देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के राजू कारे मोर 7700 वोट से चुनाव जीते, और यहां भाजपा को भारी हार का सामना करते हुए मात्र 33,457 वोटों पर ही सिमट कर रह गई भाजपा। वहीं भंडारा जिले में भाजपा का हुआ सफाया, दिग्गजों को गंवानी पड़ी अपनी सीट। वहीं जीत के बाद कार्यकर्ताओं में हर्ष और जोश का माहौल है। दल का संगल तुम्हें ही जी लड़ाई है, ही कल्लू पत्तू झगड़ू की लड़ाई है, आणि या लगला लड़ाई मध्ये कल्लू पत्तू झगड़ू सामान्य लोकांचा विजय झालेला आहे। एकीकडे आपला माफिया लोक होते, एकीकडे सामान्य आपला कार्यकर्ता आणि सामान्य आपला जनता होती, आणि त्याच्यामुळे ही लढाई आम्ही आपला जिंकू शकलो। ही लढाई जिंकणे तेवढी सोपी नव्हती, परंतु सामान्य जनता आणि कल्लूपत्तू झगडू आमच्या सोबत असल्यामुळे कठीण पण नव्हती, आणि या लढाईत आम्ही आपला बराबर आपला जोमाने आपला सर्व आपला कार्यकर्ते आणि आपला सामान्य जे लोक आहेत ते आपला जोमाने भिडले, आणि त्याच्यामुळे ही लढाई आपला जिंकणं शक्य झालं। ज्या भाऊ तुमच्या ज्या लोकांच्या अपेक्षा होत्या ते काय आता पूर्ण होतील? हो, लोकांच्या अपेक्षा कामं पूर्ण करू, कारण त्यांच्यामुळेच आपला आपल्याला पद मिळालं आहे। म्हणजे विजय सामान्य जनता, सामान्य जो आपला माणूस आहे, त्यांनी आपला जे स्वप्न बघितले होते आणि जे अपेक्षा आहेत माझ्याकडून, ते आपला
पूर्णा भी करणार चुनाव आगे बढ़ो अपन चुनाव जिंकले त्याचा श्रेय कोणाला देता अपन हे सामान्य जनतेला मी समर्पित आहे सामान्य जनतेमुळे जोडून जिंकलो आणि सामान्य कार्यकर्ता म्हणजे सर्व आघाडीचे पूर्ण संपूर्ण कार्यकर्ता पदाधिकारी आणि सामान्य जनता याच्यामुळे जी आम्ही लढाई जिंकू शकलो आणि आपला प्रफुल्लभाई पटेल साहेब नानाभाऊ पटेल साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही लढाई लढली आहे नाना भाऊ पटोले।